के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 37,126 मामलों का हुआ निस्तारण। 1741 आपराधिक वादों का निस्तारण कर वसूला गया 1,59,445 रुपए का अर्थदंड। आयुष्मान भारत योजना के गोल्ड कार्ड वितरण के ट्रायल का जिलाधिकारी ने फीता काट कर किया शुभारंभ। 5 लाभार्थियों को दिया गया कार्ड। 10 अगस्त की बंदी को सफल बनाने के लिए जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने निकाली रैली। दुकानदारों से किया दुकान बंद रखने की अपील। लूट के रुपयों के साथ 2 अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसपी नॉर्थ ने कहा, फीस जमा करने आई महिला से बदमाशों ने लूटे थे 68,000 रुपए। राष्ट्रीय लोक अदालत में जिला जज ने किया 4 जोड़ों की विदाई और किया उनके उज्जवल भविष्य की कामना। चोरी की 4 मोटरसाइकिल के साथ 2 अभियुक्त चढ़े पुलिस के हत्थे। एसपी नॉर्थ ने कहा, पड़ोसी राष्ट्र नेपाल में बेचते थे चोरी की बाइक। सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए नगर आयुक्त की अध्यक्षता में सफाई इंस्पेक्टरों और सुपरवाइजरों के साथ बैठक हुई संपन्न। दिए गए आवश्यक निर्देश। मोहद्दीपुर चौराहे पर लगा ट्रैफिक सिग्नल, शिफ्ट वार लगेगी ट्रैफिक होमगार्डों की ड्यूटी। एसपी ट्रैफिक ने कहा, लोगों को जाम की समस्या से मिलेगा निजात। दीवानी न्यायालय परिसर में स्थित मंदिर में चल रही गायत्री पूजन में शामिल हुए जनपद न्यायाधीश की पूजा अर्चना। घुटने का टेढ़ेपन का इलाज अब संभव। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नई दिल्ली से आए डॉक्टर मनोज कुमार ने दी जानकारी। विश्वविद्यालय में हो रहे छात्र संघ चुनाव को जीतने की रणनीति सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक हुई संपन्न। कार्यकर्ताओं को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। सड़कों पर धड़ल्ले से ऑटो चला रहे हैं बिना वर्दी के चालक। एसपी ट्रैफिक ने दी चेतावनी, वर्दी पहन कर ही चलाएं ऑटो। और नगर निगम के मेट की पत्नी ने पार्षद पर लगाया पति को मारने का आरोप। कहा, पार्षद सुलह का बना रहे हैं दबाव।